दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में, जो आईपीएल के नाम से फेमस है। आईपीएल साल 2008 में शुरू हुआ था और लगातार 14 सालों तक हिट रही और आगे भी होती रहेगी। तो चलिए जानते हैं आईपीएल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। फैक्ट नंबर वन, हम सभी जानते हैं कि आईपीएल का आइडिया ललित मोदी ने बीसीसीआई के सामने रखा था, लेकिन क्या आपको मालूम है ललित मोदी ने 2007 से पहले भी आईपीएल का आइडिया बीसीसीआई के सामने रखा था, लेकिन बीसीसीआई ने उस समय इसे मना कर दिया था। वैसे तो आईपीएल में हर बार 8 टीम भाग लेती है, लेकिन आईपीएल 2011 में 10 टीमों ने और आईपीएल 2012 और 13 में 9 टीमों ने भाग लिया था। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है दोस्तों, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स एकमात्र ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा बार आईपीएल का फाइनल मैच खेला है। चेन्नई ने आईपीएल में कुल 8 बार फाइनल मैच खेला है, जिसमें उन्हें 3 बार जीत मिली है। चेन्नई ने आईपीएल 2008, 10, 11, 12, 13, 15, 18 और 20 में फाइनल मैच खेला है। फैक्ट नंबर थ्री, आईपीएल की नीलामी में अभी तक सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस हैं, जिन्हें आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स टीम ने 16.25 करोड़ में खरीदा है। इससे पहले आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी युवराज सिंह थे, जिसे आईपीएल 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम ने 16 करोड़ में खरीदा था। वहीं आईपीएल के सबसे रिटेन खिलाड़ी और कप्तान विराट कोहली हैं। कोहली को हर साल आरसीबी टीम की तरफ से 17 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस तरह से वे आईपीएल के सबसे महंगे कप्तान भी हैं। फैक्ट नंबर फोर, सबसे ज़्यादा आईपीएल जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस है। मुंबई ने कुल 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। मुंबई ने आईपीएल 2013, 15, 17, 19 और 20 जीता है। आईपीएल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्पोर्ट लीग है। आईपीएल की कुल कीमत $7 बिलियन है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 50,000 करोड़ रुपए होते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, आईपीएल में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी क्रिस गेल हैं। गेल ने आईपीएल 2011 में डेक्कन चार्जर टीम के गेंदबाज प्रशांत परमेश्वरन के एक ओवर में 36 रन बना दिए थे। और क्या आप जानते हैं, आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार 0 रनों पर आउट होने वाला खिलाड़ी हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह आईपीएल में कुल 13 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, आईपीएल में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन आरसीबी टीम ने बनाए हैं। आरसीबी ने आईपीएल 2013 में पुणे वॉरियर्स के विरुद्ध 5 विकेट खोकर 263 रन बना दिए थे। आईपीएल के सबसे पहले एडिशन 2008 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिला था और इस आईपीएल के पर्पल कैप के विजेता एक पाकिस्तानी गेंदबाज सोहेल तनवीर थे। फैक्ट नंबर सेवन, आईपीएल में सबसे ज़्यादा हैट्रिक विकेट अमित मिश्रा ने लिए हैं। अमित मिश्रा ने आईपीएल में अभी तक 3 बार हैट्रिक विकेट लिए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोहित शर्मा और युवराज सिंह ने आईपीएल में हैट्रिक विकेट लिए हैं। दोनों ने आईपीएल 2009 में ये कारनामा किया था। रोहित शर्मा आईपीएल 2009 में डेक्कन चार्जर्स टीम की तरफ से खेल रहे थे और उस समय उन्होंने अपने अभी के वर्तमान टीम मुंबई इंडियंस टीम के खिलाफ हैट्रिक विकेट लिए थे। वहीं युवराज सिंह आईपीएल में 2 बार हैट्रिक विकेट ले चुके हैं। युवराज ने आईपीएल 2009 में ही 2 बार हैट्रिक विकेट लिए थे। फैक्ट नंबर एट, आईपीएल में एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अल्जारी जोसेफ, सोहेल तनवीर और एडम जंपा के नाम है। तीनों ने एक पारी में 6-6 विकेट लिए हैं और आईपीएल में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल फेंकने का रिकॉर्ड हरभजन सिंह के नाम है। हरभजन सिंह ने आईपीएल में 3,416 गेंद फेंके हैं, जिसमें से उन्होंने कुल 1,268 डॉट बॉल फेंके हैं। क्या आपको पता है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड प्रवीण कुमार के नाम है। प्रवीण कुमार आईपीएल में 119 पारियों में गेंदबाजी करके कुल 14 मेडन ओवर फेंके हैं। फैक्ट नंबर नाइन, आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं। कोहली ने आईपीएल 2021 तक 191 पारियों में कुल 6,076 रन बनाया है। वहीं दूसरे स्थान पर शिखर धवन हैं। धवन ने आईपीएल में 183 पारियों में कुल 5,577 रन बनाया है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा औसत केएल राहुल का है। केएल राहुल ने आईपीएल में कुल 46.53 के औसत से रन बनाए हैं। आईपीएल में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट आंद्रे रसल का है। आंद्रे रसल ने आईपीएल में 179.29 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। आईपीएल में सबसे ज़्यादा अर्धशतक डेविड वार्नर ने लगाए हैं। वार्नर ने आईपीएल में अभी तक कुल 50 अर्धशतक लगाया है। फैक्ट नंबर 10, आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के क्रिस गेल ने लगाए हैं। गेल ने
आईपीएल में सिर्फ 139 पारियों में 357 छक्के लगाया है। आईपीएल में एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम है। गेल ने आईपीएल 2013 में पुणे वॉरियर्स टीम के खिलाफ एक पारी में 17 छक्के लगा दिए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, और साथ ही कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ।